नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। दोस्तों, अब हम दाखिल होने वाले हैं एक नए साल में। जी हां, हम जाने वाले हैं साल 2021 में। तो हमारे मन में स्वाभाविक है कुछ प्रश्न उठेंगे कि यह वर्ष कैसा रहेगा। यदि आपकी राशि मेष, वृषभ या इनमें से कोई भी 12 राशियों में से आपकी एक राशि है तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे एस्ट्रोसेज का मेरा यह राशिफल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि साल 2021 आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार की अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी, कहां कहां आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, आपकी सेहत, पढ़ाई, पैसा, कारोबार और आपका निजी जीवन यानी कि आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ किस तरह के परिणाम लेकर आने वाली है साल 2021 में। ये जानने के लिए इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि के लोगों की। करियर पर नजर डालें तो विभिन्न अवसर लेकर आ रहा है यह साल आपके लिए और उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको संयमित होकर जीवन जीना होगा। दशम भाव का स्वामी बृहस्पति साल के पहले महीने में राशि के अष्टम भाव में रहेगा और अप्रैल तक वहीं रहेगा। इससे करियर में कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन कार्य के प्रति आपकी निरंतरता और कर्म करने की क्षमता से आसानी से इस समय को निकाल लेंगे और अप्रैल से सितंबर के बीच आपका भाग्य पलटी खाएगा और नौकरी में पदोन्नति की संभावना बन जाएगी। सितंबर से नवंबर के बीच थोड़ा संभल कर काम करना होगा। यदि बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ समझदारी से काम करें, आपका पार्टनर आपके विश्वास का फायदा उठाकर नुकसान पहुंचा सकता है। पार्टनरशिप के साथ उनके नाम से कोई व्यापार कर रहे हैं तो वर्ष के मध्य में आपको अपार सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो करियर के क्षेत्र में यह साल कुछ विषम परिस्थितियों के बावजूद आपको आने वाले समय में अर्थात वर्ष के उत्तरार्ध में अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है। आर्थिक तौर पर यह साल सामान्य रहेगा। बृहस्पति और शनि के अष्टम भाव में यति अधिक अनुकूल नहीं है, धन के खर्चों का बराबर समय बनाए रखेगी और आपको बेवजह खर्च करने से धन हानि के योग बनेंगे। राहत की बात यह होगी कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उस समय आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। इस वर्ष जनवरी के अंत से फरवरी, अप्रैल, मई और फिर सितंबर का महीना ज़्यादा अनुकूल रहेंगे। इस दौरान प्रयासों से धन लाभ मिल पाएगा। आपकी राशि के 12वें भाव में राहु के होने के कारण खर्चे बने रहेंगे। इन पर नियंत्रण रखने का आपको प्रयास जरूर करना होगा, लेकिन ये चूँकि लगातार रहेंगे इसलिए आपको समझना होगा कि खर्च बेवजह के ना हो। आर्थिक तंगी का स्थिति आ सकती है यदि आप इन पर नियंत्रण नहीं रख पाए, इसलिए कोशिश करें कि अपने धन का एक सही इस्तेमाल करें। शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए वर्ष महत्वपूर्ण साबित होगा। जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं उन्हें सफलता की पूरी उम्मीद करनी चाहिए। खासतौर से जनवरी, फरवरी और मई का महीना आपके लिए अनुकूल समाचार लेकर आएगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने में आपको सफलता मिलेगी। अप्रैल से सितंबर का समय आपको सफलता देगा। आप समय का उचित प्रयोग कर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। केतु के आपके छठे भाव में होने से कुछ कठिन प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल पाएगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो काफ़ी खास रहेगा ये साल आपके लिए। आप अपना भरपूर समय अपने परिवार को देंगे, जिससे परिवार का माहौल बढ़िया रहेगा। घर की आवश्यकता के अनुसार नई नई चीज़ें खरीदने के भी शुभ संकेत दिखाई देते हैं। परिवार में किसी शुभ या मंगल कार्य का आयोजन संभव है। इससे परिवार में सकारात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। वर्ष के मध्य में परिवार से जुड़ी किसी बात के चलते आपके ऊपर नकारात्मक असर पड़ सकता है। संभावना है इस दौरान आपके जीवन साथी का, आपकी माताजी या किसी से विवाद हो जाए। ऐसे में आप प्रयास करें तो आप आसानी से इसका हल निकाल पाएंगे। जून का महीना परिवार में खुशी लेकर आएगा। कोई अच्छा फंक्शन हो सकता है। ग्रहों का संकेत है कि इस समय परिवार में खुशी देखने को मिलेगी। सितंबर से अक्टूबर के बीच मंगल आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, जिससे परिवार में कुछ अशांति बढ़ेगी। इसमें आपको खास ख्याल रखना होगा कि बेवजह की बातों को बढ़ने ना दें, क्योंकि इससे घर का माहौल ही खराब होगा। इस वर्ष आपको अपनी माता की पक्ष के लोगों से कुछ समस्या हो सकती है। आपको विवेकपूर्ण तरीके से चलना होगा। इन सभी समस्याओं के बीच आपके मित्र आपका भरपूर साथ देंगे। किसी भी परिस्थिति में अकेला महसूस नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि आपके व्यापार में भी उनका सहयोग आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो यह वर्ष कुछ नए परिवर्तन ला सकता है। साल के प्रारंभ में सूर्य बुध आपके सप्तम में रहेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में स्थितियां ठीक रहेंगी, लेकिन इस दौरान जीवन साथी में कुछ बदलाव आएंगे। उनका असर दाम्पत्य जीवन को प्रभावित भी करेगा। इन परिस्थितियों के चलते उनके अंदर अहम भावना जन्म ले सकती है, जो उनकी बातों और कामों से झलकेगी।
आपको समझदारी से काम लेना होगा ताकि वैवाहिक जीवन अनुकूल बना रहे। शनि बृहस्पति की युति ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य हानि दर्शा रही है, उसकी चिंता आपको भी होगी। जनवरी में जब शुक्र का गोचर राशि के सप्तम में होगा तो आपके जीवन साथी के बीच प्रेम भावनाओं का संचार बढ़ेगा। मई और जून का महीना भी आपके वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेंगे। आपकी आत्मीयता बढ़ेगी, एक दूसरे को नजदीक लाने की कोशिश करेंगे जिससे दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। आपके संतान के लिए वर्ष सामान्य रहेगा। अप्रैल और अगस्त में उन्हें कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे और यदि आपको अभी संतान की उम्मीद है तो अप्रैल और अगस्त का समय अनुकूल हो सकता है। प्रेम जीवन की बात करें, यानी जो लोग अभी किसी से प्रेम करते हैं उनके लिए साल बहुत बेहतर रहेगा। जनवरी से फरवरी के बीच प्रेम विवाह के बेजोड़ संयोग बन रहे हैं जो आपके जीवन में खुशियों का संचार कर सकते हैं। प्यार में इस वर्ष परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आपका प्यार सच्चा है तो पार्टनर के साथ पूरी निष्ठा के साथ रहें, इसमें चूक कर जाते हैं तो दोनों के बीच में समस्याएं बढ़ेंगी। मंगल की दृष्टि साल की शुरुआत में आपके पंचम पर होने के कारण समय अनुकूल नहीं रहेगा, जिससे व्यर्थ की बातों से बचना होगा। लड़ाई झगड़े को ना होने देना ही आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। जुलाई के महीने में प्रियतम को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, जिससे दोनों के बीच मिलने की संभावना थोड़ी कम होगी। लेकिन जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई और सितंबर के महीने प्रेम जीवन को सजाने और संवारने वाले होंगे। आपका प्यार इस दौरान परवान चढ़ेगा। सेहत की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष थोड़ा कमजोर है। अष्टम भाव में शनि बृहस्पति की युति छठे भाव में केतु स्वास्थ्य कष्ट की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे में अपने खान पान और रहन सहन के प्रति सजग रहें, अन्यथा ग्रहों की चाल आपको ब्लड और वायु से संबंधित रोग दे सकती है। साथ ही अधिक वसा युक्त भोजन से मोटापे की समस्या भी आ सकती है। खान पान में बदलाव करने की जरूरत होगी। अनिद्रा, नेत्र रोग जैसी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। इस साल मिथुन राशि के लोगों को जो उपाय करने चाहिए वो इस प्रकार होंगे कि बुधवार के दिन पक्षियों के जोड़े को आज़ाद करें, उत्तम गुणवत्ता वाला एक पन्ना रत्न धारण करें जिससे आपकी सेहत मजबूत होगी। अपनी बुआ अथवा मौसी को बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र या फिर चूड़ियाँ भेंट करें। आप बुध ग्रह के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सा बुधाय नमः का जाप कर सकते हैं। भोजन में हरी मिर्च का सेवन करना भी लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों, यह था आपका साल 2021 का राशिफल। मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानकारी इस राशिफल से मिली होगी। आपको यह राशिफल कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी कोई भी समस्या है तो आप एस्ट्रो सेज का वार्ता ऐप है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे ज्योतिषियों से बात भी कर सकते हैं। आप सभी को नव वर्ष 2021 अनेक प्रकार की सफलताएं प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना एस्ट्रो ग्रुप मृगांक। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।